डियर स्टूडेंट्स आई वेरी वन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई टूडेज लेक्चर ऑफ ऑपरेशन लेक्चर वील डिस्कस अपॉन द टॉपिक ऑपरेश रिसर्च मॉडल्स इन प्रैक्टिस यानी कि आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कि जनरल प्रैक्टिस में हम ऑपरेशन रिसर्च के कौन कौन से मॉडल्स का यूज करते हैं डिफरेंट टाइप की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में तो वी विल हैव अ लुक दीज पर्टिकुलर मॉडल्स क्योंकि जब हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोई भी एक पर्टिकुलर ओ आर मॉडल या टेक्निक को डेवलप नहीं किया जा सकता यानी कि अगर वरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हैं तो वरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है वरायटी ऑफ ओ आर मॉडल्स और टेक्निक्स को डेवलप करना पड़ता है और इन ओ आर मॉडल्स या टेक्निक्स को कुछ पर्टिकुलर बेसिक कैटेगरीज में ग्रुप्ड किया जा सकता है जिसके बेसिस पर हम ओ आर मॉडल्स को डिस्कस करेंगे द वेरी फर्स्ट ओ आर मॉडल इज एलोकेशन मॉडल्स एलोकेशन का मतलब जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है रिसोर्सेज को एलोकेट करना और वो भी इस तरीके से जिससे कि ऑप्टिमम वे में उनके यूटिलाइजेशन को पॉसिबल किया जा सके सो दीज आर द मॉडल्स यूज्ड टू एलोकेट रिसोर्सेज टू एक्टिविटीज इन सच अवे दैट सम मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस जिसे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन का नाम भी देते हैं इज ऑप्टिमाइज मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग इज द ब्रॉड टर्म फॉर ओअर टेक्निक्स यूज टू सॉल्व एलोकेशन प्रॉब्लम्स यानी कि जब हम एलोकेशन मॉडल्स की बात करते हैं तो यहाँ रिसोर्सिस को डिफरेंट एक्टिविटीज में इस तरीके से एलोकेट किया जाता है जिससे कि हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज कर सकें ऑब्जेक्टिव फंक्शन जैसे मान लिया जाएगा कॉस्ट है तो उसको आप मिनिमाइज करोगे रेवेन्यू है उसको आप मैक्सिमाइज करना चाहोगे डिस्टेंस है उसको आप मिनिमाइज करना चाहोगे ऐसा ही और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो सकते हैं जिसको ऑप्टिमाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसोर्सेज को डिफरेंट एक्टिविटीज में एलोकेट करने के लिए हम एलोकेशन मॉडल्स का यूज करते हैं होता है क्या यहां है पर ना एक मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग का यूज किया जाता है एलोकेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर ऑफ एलोकेशन मॉडल्स हो सकते हैं तो कुछ पर्टिकुलर एलोकेशन मॉडल्स को यहां डिस्कस कर लेते हैं द वेरी फर्स्ट एलोकेशन मॉडल जैसे हम लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल या फिर नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल की कैटेगरी में रखते हैं और क्या मतलब रहता है इसका इट इज द मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस सच एज प्रॉफिट कॉस्ट इट इज इज एक्सप्रेस एज अ लीनियर फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स एंड एफ लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अस्टम ऑफ लीनियर इक्वल्टीज और इन इक्वल्टीज द एलोकेशन प्रॉब्लम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एल पी पी का नाम देते हैं से हम अदरवाइज अगर नॉन लीनियर रिलेशन को डिफाइन करता है द सेम केस तो हम इस एलोकेशन प्रॉब्लम को नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग का नाम देते हैं यानी कि एन पी पी का नाम देते हैं इसको क्या मतलब है इसका बार समझ लेते हैं इसको दोबारा से यानी कि हमारा मेन परपज क्या है जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको ऑप्टिमाइज करना तो यहां पर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस है जैसे कि प्रॉफिट है कॉस्ट है इसको हम क्या करते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स के टर्म्स में लीनियर फंक्शन में एक्सप्रेस करते हैं और इसके साथ साथ जो भी इसके कंस्ट्रेंट्स हैं जिन्हें हम लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज के नाम से भी जानते हैं इनको भी हम इक्वलिटीज या इन इक्वलिटीज के सिस्टम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो जो हमारा एलोकेशन प्रॉब्लम डेवलप होती है इसको हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का नाम देते हैं लेकिन अगर जो हम बात कर रहे हैं मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस अगर इसको हम नॉन लीनियर फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें जो रिलेटेड उनको हम नॉन लीनियर वे में रिप्रेजेंट करते हैं एक्सप्रेस करते हैं तो ये कहलाती है नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम तो एक हो गई आपके पास एल पी पी और दूसरी हो गई एनपीपी तो दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द एलोकेशन मॉडल ऐसे ही एलोकेशन प्रॉब्लम में जो सेकेंड कैटेगरी है वो इंटीजियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के नाम से जानी जाती है क्या होता है इसके अंदर वेन द सोलूशन वेल्यूज और डिसीजन वेरियबल ऑफ अ प्रॉब्लम आर रेस्ट्रिक्टेड जहाँबल्स या जो सॉल्यूशन वैल्यूज हैं प्रॉब्लम के रेफरेंस में उनको हम इंटीजर वैल्यू में रिप्रजेंट करते हैं तो हम इस टाइप की एलोकेशन प्रॉब्लम को इंटीजियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं ओके ऐसे ही एक कैटेगरी है इसके अंदर अ प्रॉब्लम हैविंग मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और इनको हम लीनियर कंस्टेंट के साथ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम इसको गोल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं ठीक है ऐसे ही एक बात करते हैं हम असाइनमेंट प्रॉब्लम की क्या होता है असाइनमेंट प्रॉब्लम जो रिसोर्सेज हैं डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज अवेलेबल है डिसीजन मेकर के पास जैसे कि वर्कर्स ये सब क्या है टोटल टाइम कॉस्ट और डिस्टेंस इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग एक्टिविटी सच प्रॉब्लम्स आर क्लासिफाइड एज असाइनमेंट प्रॉब्लम्स यानी कि सपोज करिए कि एक डिसीजन मेकर है उसके पास डिफरेंट टाइप के रिसोर्स अवेलेबल हैं और इसके पास डिफरेंट नंबर ऑफ एक्टिविटीज हैं अब इसको वन टू वन बेसिस पर क्या करना है इन रिसोर्सिस को इन नंबर ऑफ एक्टिविटीज पर असाइन करना है और उसका एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है कि उसको अपना टोटल टाइम मिनिमाइज करना है या फिर टोटल कॉस्ट मिनिमाइज करनी है या फिर टोटल डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एलोकेशन मॉडल को एक स्पेशल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है जिसको हम असाइनमेंट प्रॉब्लम का नाम देते हैं इसके हेल्प से इस टाइप की प्रॉब्लम को प्रॉपरली सॉल्व किया जा सकता है तो असाइनमेंट प्रॉब्लम इसी वजह नाम दिया गया है क्योंकि इसमें जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं उनको डिफरेंट नंबर ऑफ एक्टिविटीज पर इस तरीके से असाइन किया जाता है जिससे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज किया जा सके क्लियर हो गया इसी कैटेगरी में एक प्रॉब्लम और आती है जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का नाम देते हैं यह भी एलोकेशन मॉडल का एक पर्टिकुलर टाइप होती है है क्या इसके अंदर अगर जो रिसोर्सेज हैं दीज रिसोर्सेज कैन बी यूज फॉर मोर देन वन एक्टिविटी और जो एक्टिविटीज हैं दीज आर रिक्वायरिंग मोर देन वन रिसोर्स अगर मान लीजिए कि जो डिफरेंट एप की एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर रहे हो इनको एक से ज़्यादा रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है और जो रिसोर्सेज हैं इनको आप एक से ज़्यादा एक्टिविटी में यूज कर सकते हो तब क्या होगा नंबर ऑफ कंस्टेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कॉम्प्लेक्सिटी हाई लेवल की हो जाती है और कॉम्प्लेक्सिटी हाई लेवल की की होने वजह से इसको हम असाइनमेंट प्रॉब्लम के बेसिस पर सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो एक स्पेशल टेक्निक डेवलप की की गई इस टाइप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिसे हम नाम देते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का और इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बेसिस पर इस टाइप की प्रॉब्लम को प्रॉपरली सॉल्व किया जा सकता है तो ये बात हो गई अबाउट द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ एलोकेशन मॉडल्स now the second category of operations research model is inventory models it deals with the problem of determination of how much to order at a point of time and when to place an order the main objective is to minimize the sum of three conflicting inventory cost holding or carrying cost ordering cost and the cost of shortage or delay in the delivery of items when it is needed, यानी कि inventory models में इस particular problem को solve किया जाता है कि, कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कितने मटेरियल का ऑर्डर दिया जाना चाहिए और इस ऑर्डर को कब प्लेस किया जाना चाहिए जैसे एक प्रोडक्शन की बात करें प्रोडक्शन हाउस की जो एक पर्टिकुलर गुड्स के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है उसको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहती है एवरी टाइम अब क्वेश्चन ये है कि वो इस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर ऑर्डर दे और कितनी क्वांटिटी इसकी डिलीवर करे क्योंकि जब रॉ मटेरियल को डिलीवर किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसमें डिफरेंट टाइप की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है पहली कॉस्ट होती है होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट दूसरी कॉस्ट होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट ये दो मेन कॉस्ट रहती हैं इसके अंदर अगर जैसे मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन को एक साल में बारह हजार यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है किसी पर्टिकुलर रॉ मटेरियल की अब उसके पास पॉइंट क्या है कि वो क्या करे अगर मान लीजिए कि हर महीने ऑर्डर देती है वो तो हर महीने कितने का ऑर्डर जाएगा उसका यह का तभी तो बारह हजार वो डिलीवर कर पाएगा अगर हर महीने हज़ार यूनिट्स का ऑर्डर देता है तो इसमें कुल मिला के एक साल में बारह ऑर्डर देने पड़ेंगे तो इसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी दूसरा कि वो साल में दो ऑर्डर दे दे छः हजार का एक ऑर्डर और छः हजार का एक ऑर्डर तो उस केस में उसकी जो होल्डिंग कॉस्ट है या जो कैरिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी क्योंकि वेयर हाउस में रखना पड़ेगा उसको अपने गुड्स को अब परपज़ क्या है परपज़ है कि इतने नंबर ऑफ यूनिट्स को ऑर्डर दिया जाए जिससे कि इन कॉस्ट को मिनिमाइज कर किया जा सके होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट को इन दोनों कॉस्ट के साथ में एक कॉस्ट और होती है दिस इज द कॉस्ट ऑफ शॉर्टेज और डिले इन द डिलीवरी ऑफ आइटम्स वैन इट इज नीडेड नीटेड जब आपको रिक्वायरमेंट होती है और उस टाइम पर अगर आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है गुड्स की तो आपका जो प्रोडक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा तो इसकी भी कॉस्ट आपको झेलनी पड़ेगी तो इन तीनों कॉस्ट को मिनिमाइज करते हुए आप एक पर्टिकुलर मॉडल को डेवलप करते हो जिसको हम नाम देते हैं ईओ क्यू मॉडल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल एंड दिस इज डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ द इन्वेंट्री मॉडल्स इज क्लियर नाउ कम टू दर्ड ओ आर मॉडल दिस इज नोन एज द वेटिंग लाइन और क्विंग मतलब लाइन से होता है जब आपको कोई भी सर्विस यूज करनी पड़ती है तो उसके लिए आपको लाइन लगानी पड़ती है और जब आपका नंबर आ जाता है उसके बाद आप उस सर्विस का प्रॉपरली यूज कर सकते हो जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वो क्या चाहता है अपने कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना चाहता है और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा कस्टमर को जब उसका वेटिंग टाइम मिनिमाइज हो लेकिन दो प्रॉब्लम है यहाँ करना अगर कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने सर्विस स्टेशन को कम कर देती है तो कस्टमर्स का वेटिंग टाइम बढ़ेगा लेकिन अगर वो अपने सर्विस स्टेशन को ज़्यादा बढ़ा देती है तो उस केस में कस्टमर्स का तो वेटिंग टाइम जीरो हो जाएगा लेकिन उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो यहां जो वेटिंग लाइन मॉडल्स हैं वो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उससे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है उतने नंबर ऑफ सर्विस स्टेशन को इम्प्लीमेंट करती है जिससे कि वो अपनी कॉस्ट को भी मिनिमाइज कर सके और जो उसके कस्टमर्स हैं उनके वेटिंग टाइम को भी मिनिमाइज कर सके इसका मतलब ये जो मॉडल्स हैं दीज हैव बीन टू एस्टेब्लिश ट्रेड ऑफ ऑफ बिटवीन कॉस्ट प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड द वेटिंग टाइम ऑफ अ कस्टमर इन द क्यूइंग सिस्टम यानी कुल के अपने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करने के रेफरेंस में जो कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है ऑर्गेनाइजेशन की और क्विंग सिस्टम में कस्टमर्स का जो वेटिंग टाइम है दोनों के बीच में एक ट्रेड ऑफ को एस्टेब्लिश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इन मॉडल्स को डेवलप किया जाता है कंस्ट्रक्टिंग अ मॉडल रिक्वायर्स डिस्क्राइबिंग द कॉम्पोनेट ऑफ द सिस्टम इसके लिए हमें डिफरेंट टाइप के सिस्टम के कॉम्पोनेट्स को डिस्क्राइब करना पड़ता है मतलब हमारे पास जो सिस्टम अवेलेबल है उसके डिफरेंट कॉम्पोनेट को डिस्क्राइब करते हुए इस मॉडल को कंस्ट्रक्ट किया जाता है जैसे अराइवल प्रोसेस क्या है क्यू स्ट्रक्चर क्या है सर्विस प्रोसेस क्या है और परफॉर्मेंस को मेजर करने जो मेजर परफॉर्मेंस है उसको किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है उसके लिए हम क्या करते हैं एवरेज लेंथ ऑफ वेटिंग टाइम को कैलकुलेट करते हैं एवरेज टाइम स्पेंड बाय द कस्टमर को काउंट करते हैं इन द लाइन ट्रैफिक इंटेंसिटी को भी काउंट करते हैं वेटिंग सिस्टम के रेफरेंस में और हम अपने मेजर फॉर परफॉर्मेंस को प्रॉपरली सॉल्व कर लेते हैं यानी कि अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को प्रॉपरली अचीव कर लेते हैं द रेस्ट ऑफ द मॉडल्स ऑफ ओ आर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर यानी कि फर्दर लेक्चर में यानी कि आगे के लेक्चर में हम बाकी के इसके मॉडल्स को डिस्कस करेंगे थैंक यू